हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं बैकरेस्ट के बारे में, जो कि पहले ब्लॉग में हम लोग बात किए थे कार्बन रेसिंग टूरिंग वंडर विंडशील्ड के बारे में, जो कि क्लासिक 350 में हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैकरेस्ट के बारे में, जो कि SGTB कंपनी का बैकरेस्ट है, जो कि मैं अमेजन से ख़रीदा था। 750 रुपीज़ लिए थे डील के टाइम में। एंड आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक खासियत है, ये तीनों कलर में आता है। एक तो क्रोम फिनिश में आता है एंड एक ब्लैक कलर का आता है, जो कि मेरे पास अभी है। एंड इसका जो लेदर है वो भी ब्लैक कलर का ही होता है। मैं उसको मॉडिफाई करके जिस दिन सीट किया था, उस दिन आप लोग ब्लॉग जाके पिछले वाला ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन में दे रहा हूँ। वहाँ पर जब मैं सीट मॉडिफिकेशन किया था, उस टाइम में मैं बैकरेस्ट को उसी कलर में कन्वर्ट कर लिया था। सो मैं जो लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो कि बैकरेस्ट का ओरिजिनल कलर क्या था। एंड मेरा आगे वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, बैकरेस्ट का कलर क्या था। सो बैकरेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं पहला चीज़ बता दूं, क्लासिक 350 BS6 मॉडल, जो कि इस मॉडल में है, जो कि पुराना मॉडल था, 2021 से डिसकंटिन्यू हो गया है। इस मॉडल जिसके पास बाइक है वो एक, इसका डिसएडवांटेज ये है, जब आप लोग पिलियन को बैठा के चलाते हैं, जब आप लोग आपका पिलियन बैठता है एंड उसका जो बैक का सपोर्ट रहता है, सपोर्ट के नाम से एक, मतलब एक रॉड देते हैं, रॉड बोलते हैं ना, एक पाइप जैसा देते हैं। वो जब आप लोग पिलियन को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं या फिर कहीं पे भी राइड करते हैं, होम्स आया या फिर कुछ जर्किंग हुआ, वहाँ पर पिलियन का जो बैकबोन होता है वहाँ पर दिक्कत आता है उसको, मतलब चोट लगता है। ओरिजिनल जो बैकरेस्ट तो नहीं होता है वो सब, वो जस्ट सपोर्ट के लिए होता है, ताकि जो पिलियन इधर जो बैठे वो पीछे गिर मत जाए, इसीलिए वो सपोर्ट होता है। तो उसको जितना जल्द हो सके चेंज करके ये वाला बैकरेस्ट लगा दीजिए। ये वाला बैकरेस्ट में एक तो खासियत ये है, ये थोड़ा हाइट में है, जो कि ओरिजिनल जो बैकरेस्ट जो आता था वो इसी हाइट में था, इस तक था। एंड ये जो बैकरेस्ट है ये थोड़ा ऊपर है, ताकि पिलियन जो बैठे वो ज़्यादा लीन हो सके पीछे। एंड जब हम लॉन्ग राइड करते हैं तो ज़्यादातर हमारा बैकबोन एंड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक पेन होता है, उस टाइम में हम लोग लीन हो सके पीछे, ये बैकरेस्ट इसीलिए है। एंड इस बैकरेस्ट का और एक खासियत है, यहाँ से आप लोग डिटैच कर सकते हो, जब आप लोगों को बैकरेस्ट नहीं चाहिए या फिर कुछ काम है या फिर कुछ लगेज लेना है, यहाँ से डिटैच कर सकते हो। और ओरिजिनल बैकरेस्ट का यहाँ से पूरा वहाँ तक, मतलब यहाँ तक एकदम से कंटिन्यू होता था। उसको डिटैच करने के लिए एकदम से सीट खोल के उसके अंदर से नट बोल्ट खोल के बहुत सारा, मतलब बोलते हैं ना, एक फंडा होता था उसको खोलने के लिए, एंड बहुत सारा टाइम भी जाता था। तो इसी बैकरेस्ट को आप डिटैच करने के लिए ये चार टो नट बोल्ट है, उसको खोल दीजिए, बस आप लोगों का हो जाएगा। जो कि आप लोग आपका जो स्पेयर पार्ट्स में, जो कि जो भी स्पेयर पार्ट्स में जो भी टूल्स होगा, उस टूल्स में भी ये खोल जाएगा। एंड मेरा सीट का जो मॉडिफिकेशन हुआ था, सीट का कलर एंड बैकरेस्ट का कलर सेम हम लोग दिए हैं। वेलिंगटन वाला ब्लॉग देखिए आप लोग, अगर सीट का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर कुछ सीट का मॉडिफिकेशन, सीट कवर या फिर जो भी करना चाहते हैं, वो भैया को कॉन्टैक्ट कर दिए, नंबर भी शेयर कर दिया हूँ उस वाला ब्लॉग में, भैया को कॉन्टैक्ट करके जाइए। आप अगर हमारे चैनल का नाम बोलेंगे उनको तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ये मार्क करना। और जब आप भैया के पास जाएं, वहाँ पे जाके हमारे चैनल का नाम बोलिए, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये बैकरेस्ट लगाने के बाद जो गाड़ी का जो लुक आया है ना भाई साहब, यकीन नहीं करोगे यार, जो लुक आया है गाड़ी का, देखो ये बोलते हैं इसका जो स्टाइल होता है, ये इसको बोलते हैं हार्ले डेविडसन, जो बाइक का जो बैकरेस्ट होता है उसी स्टाइल में ये है। थोड़ा ये स्ट्रेट भी नहीं है, थोड़ा पीछे लीन किया हुआ है। एंड ये जो मेरा बैकरेस्ट है, जो लगेज
कैरियर है, ये मैं अलग से लगाया था, ये 300 रुपये का लगेज जो लगाया हूँ एंड इसके ऊपर कुछ क्लाम देके जुगाड़ करके बस लगा दिया हूँ। ये अच्छा खासा वेट ले लेता है, जब मैं उड़ीसा जाता हूँ या फिर कहीं पे भी लॉन्ग राइड करता हूँ तो ये अच्छा खासा वेट ले लेता है एज ए डिक्की। सो ये बात था एंड ये बैक रेस्ट अगर लगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे खरीद सकते हो 750 रुपीज़ में। ये एक और बैक रेस्ट है, आप लोग खरीद सकते हो, पैसा बर्बाद नहीं होगा, पैसा वसूल माल है ये। एंड इसको खोलने के लिए ये अगर आपका कुछ मतलब किसी भी अगर डैमेज हुआ इसको खोलने के लिए इधर दोनों नट बोल्ट है, ये खोल के आप लोग इसको डिटैच कर सकते हो बेस से इसको डिटैच कर सकते हो। ओनली ये जो लेदर वाला चीज़ है इसको डिटैच करना है, ये वाला नहीं खोलना है, ओनली दोनों स्क्रू खोलने से ये लेदर वाला जो है और डिटैच हो जाएगा आराम से। एंड पहले वाला ब्लॉग में हम लोग इससे पहले वाला ब्लॉग में हम लोग बात किए थे उनसेल के बारे में, उनसेल के अगर ब्लॉग देखना है तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा जिसके ऊपर की गाड़ी में बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, बहुत सारा, आप गाड़ी का लुक देख सकते हो, बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, उस मॉडिफिकेशन को एक एक करके मैं समझाऊँगा कैसे क्या चीज़ है, कितना रुपया लगा, ये सब बात मैं समझाऊँगा। थोड़ा टाइम दो, मैं अभी कुछ राइड पेट करने वाला हूँ, राइड से जब रिटर्न करूँगा उसके बाद ही मैं इसका जो मॉडिफिकेशन किया हूँ इतने रुपया खर्चा करके उस मॉडिफिकेशन का मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँगा। बहुत सारा चीज़ें लाइक फॉग लैंप, चारों फॉग लैंप है एंड रिले है, दोनों बोस कंपनी का दोनों हॉर्न लगाए हुए हैं, मेरा हॉर्न साउंड भी आप लोग ब्लॉग में सुन सकते हो। एंड इधर मिरर में ये जो है ना ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर दोनों अटैच किया हुआ है, बोबो का माउंट, बहुत सारा चीज़ें एंड सो मोर चीज़ें, इसको मैं एक ही ब्लॉग में समझा नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। तो इसको देखने के लिए हम एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे, उसमें हम लोग सारे चीज़ का बात करेंगे। एंड ये वाला लोकेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड जो कि जो भी हमारा सिनेमेटिक है जो भी है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ ऐड करना चाहिए या नहीं चाहिए वो वाला मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं एक नया ब्लॉग में नया एपिसोड के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, टाटा। There, going fast forward, yeah, there's no time chair. Yeah, we don't pass out, we don't gotta see the sights. Yeah, the road's gone dark, we don't need the headlights. Yeah, we're stopping red lights, so you're feeling alright. We can do this all night, yeah, said it once or twice. And I'm hoping that you're feeling light. Now we gonna roll the dice, feel a dream, my mind's way now too. That's right, let me in or kill me now. Why the bouncer kick me out?